नमस्कार, मैं हूं शिल्पी सेन और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। आइए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। बाश फोरम की ओर से श्रीमती गीता देवी को स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान से सम्मानित होने पर हार्दिक बधाई। अध्यक्ष निधि सागर, सचिव नीतू यादव तथा निवेदक समस्त जल सहेलियां। जनपद झांसी के थाना परिसर बबीना में आज रमजान व चैत्र नवरात्र को लेकर 20 कमेटी की बैठक आहूत की गई। बैठक की अध्यक्षता उप निरीक्षक रावेंद्र मिश्रा ने की। बैठक के दौरान उपस्थित लोगों को त्योहारों के दौरान शासन के दिशा निर्देशों से अवगत कराते हुए दोनों संप्रदाय के लोगों से शांति और सद्भाव बनाए रखने की अपील की गई। इस अवसर पर बैठक में मौजूद हिंदू मुस्लिम समुदाय के संभ्रांत नागरिकों ने त्यौहार के दौरान निर्धारित समय पर बिजली व्यवस्था सुचारू रखने और नगर में साफ सफाई रखने की मांग की। बैठक का संचालन कर रहे उप निरीक्षक रावेंद्र मिश्रा ने संबंधित विभागों से बात करने का आश्वासन दिया। बैठक में पूर्व जिला पंचायत सदस्य एवं छावनी परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष भारत सिंह यादव उर्फ बॉबी चेयरमैन, जामा मस्जिद बबीना के सदर यूसुफ राइन, संभ्रांत नागरिक मदन सिंह दद्दू, ब्रिजमोहन अग्रवाल, राजेश गुप्ता टायसन, शौकत अली पहलवान, नरेंद्र दुबे, रामदयाल, अमर सिंह यादव, रहमान खान, हाजी लियाकत राइन, बचन सिंह राजपूत, जितेंद्र राजपूत, मोनू खान, अनवर खान आदि समेत क्षेत्र पंचायत सदस्य खैलार, विकास पांडे, सुरेंद्र समादिया भेल, हाजी सलीम राइन आदि मौजूद रहे। इस अवसर पर बबीना थाने के उप निरीक्षक राजेंद्र रंजन भी बैठक में उपस्थित थे। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए बबीना से शैलेश सोनू सेवरे के साथ प्रिंस राज यादव की रिपोर्ट। इस खबर में बस इतना ही। थोड़ी देर में फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अब कर दीजिए और ताज़ा तरीन खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।